प्रीवियस वीडियो में आपने देखा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इंटीरियर डिज़ाइन में क्या होते हैं, वैसे ही और फंडामेंटल्स उसके साथ रिलेट होते हैं। क्या आपने सोचा है वो क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली डिज़ाइन एलिमेंट्स। कोई भी इंटीरियर स्पेस डिज़ाइन करने के लिए उसके पीछे एक साइंस लगता है। कुछ भी डिज़ाइन ऐसे रैंडमली नहीं डिज़ाइन होती, और वो साइंस ही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। अब अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे उसकी लिंक दी गई है, आप ज़रूर चेक करना। उससे आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा और उनको यूज़ भी कैसे करना है कोई भी इंटीरियर करते वक्त वो भी पता चलेगा, और उसी से ही आपको एलिमेंट्स को भी समझने में हेल्प होगी। प्रिंसिपल हो या एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हो, दोनों का भी काम सेम है। दोनों से भी एक हाईली फंक्शनल, एस्थेटिक और प्लीजिंग एलिगेंट स्पेसेस क्रिएट होते हैं। सो वो डिज़ाइन एलिमेंट्स है स्पेस, लाइन, शेप, फॉर्म, लाइट, टेक्सचर, पैटर्न और कलर। स्पेस ये डिज़ाइन एलिमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर एरिया ही नहीं होगा, तो वहाँ पे इंटीरियर कैसा होगा? तो इसीलिए स्पेस इम्पॉर्टेंट है। अब वो जो स्पेस है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टू डायमेंशनल स्पेस और एक होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस। जो टू डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें लेंथ और विड्थ काउंट होती है, जो भी एरिया है उसकी। और थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें कोई भी स्पेस का लेंथ, विड्थ और उसकी डेप्थ भी काउंट होती है। वैसे ही जो स्पेस है वो टू कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव स्पेस और सेकंड है नेगेटिव स्पेस। जो पॉजिटिव स्पेस होता है उसमें जो भी जो भी एरिया होगा, पर्टिकुलर रूम होगा, तो उसमें फर्नीचर हो या फिर कोई आर्टिफैक्ट हो वॉल पे, किचन काउंटर हो, तो ये सब चीज़ें आती है, तो वो ऑक्यूपाइड जो स्पेस होता है उसे पॉजिटिव स्पेस कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी फर्नीचर जो जिसने ऑक्यूपाइड किया है स्पेस को, फिर चाहे वो रग हो या सोफ़ा हो, डाइनिंग टेबल हो, किचन काउंटर हो, इवन जो फॉल सीलिंग है वहाँ पे जो शैंडिलियर्स लाइट लगे हैं, वो सब एक ऑक्यूपाइड स्पेस में है, तो इसे पॉजिटिव स्पेस कहेंगे। सो जैसे आपने देखा पॉजिटिव स्पेस एक ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, वैसे ही जो नेगेटिव स्पेस होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है। जैसे कोई भी दो फर्नीचर के बीच में जितना भी सर्कुलेशन एरिया होगा, या फिर दो आर्टिफैक्ट्स के बीच में जो एम्प्टी वॉल और एम्प्टी स्पेस बचता होगा, तो वो सब स्पेस बेसिकली नेगेटिव स्पेस में काउंट किया जाता है। और ये नेगेटिव स्पेस कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो नेगेटिव स्पेस है उसी से जो एक्चुअल पॉजिटिव स्पेस है वो उभर के आता है। जैसे आप ये दो एग्जांपल स्क्रीन पे देख सकते हो, एक में चेयर है, सो जितना भी चेयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है वो पॉजिटिव स्पेस है, उसके अराउंड जितना भी स्पेस है वो नेगेटिव स्पेस में काउंट होगा। वैसे जो सेकेंड इमेज है वो एक एम्प्टी रूम, सो वहाँ पे जो भी एम्प्टी वॉल्स, फ्लोर, वो सब नेगेटिव स्पेस में काउंट होगा। और ऊपर सीलिंग में आप देख सकते हो एक जस्ट ड्रॉप आउट लाइट दिखाई दे रही है, वो लाइट पॉजिटिव स्पेस में आएगी, अदरवाइज जितना भी फॉल सीलिंग है वो पूरा नेगेटिव स्पेस में आएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस है उनको करेक्टली प्रॉपरली यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अगर आपने कोई भी एरिया में पॉजिटिव स्पेस ज़्यादा रखा तो उसे आपको बहुत ज़्यादा फर्नीचर के बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट के वजह से स्पेस क्लटर लगेगा, बहुत ओवर क्राउडेड लगेगा। और वैसे ही अगर नेगेटिव स्पेस ज़्यादा हुआ कोई भी रूम में, स्पेस रहेगा वो एम्प्टी लगेगा। सो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस का जो भी कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ओपन फ्लोर प्लान। आपको अगर पता होगा तो ओपन फ्लोर प्लान जिसमें बेसिकली लिविंग रूम, किचन और डाइनिंग, ये तीनों भी एरिया एक साथ होते हैं। एक साथ इसका मतलब वहाँ पर कोई भी जो वॉल का पार्टीशन होता है वो नहीं होता है, सो इसलिए वो ओपन फ्लोर प्लान होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में एक प्रॉपर ओपन फ्लोर प्लान दिखाई दे रहा है, जिसमें लिविंग रूम भी इंक्लूड है, डाइनिंग भी है, और जो सामने किचन विद ब्रेकफास्ट काउंटर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी
मतलब वहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का जो भी एक बैलेंस क्रिएट हुआ है उससे वो एक परफेक्ट ओपन फ्लोर प्लान लेआउट दिखाई दे रहा है। नाउ जैसे आपने देखा स्पेस कितना इम्पॉर्टेंट है इंटीरियर डिज़ाइन में, वैसे ही लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई स्पेस को कुछ शेप देना हो, कुछ फॉर्म उस देखना हो स्पेस में, तो उसके लिए एक लाइन होना इम्पॉर्टेंट है। लाइन से हमें एक विजुअल मिलता है वो स्पेस को देखने के लिए। लाइन में भी पर्टिकुलरली 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड है वर्टिकल लाइन और थर्ड है डायनामिक लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो जो बेस पॉइंट होता है उससे पैरेलल होती है। सो जो भी कोई इंटीरियर जितना जो भी पर्टिकुलर स्पेस होगा अगर वो लेंथ में कम होता है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ करके वो स्पेस को वाइडर एक्सपांशन दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें जो बैक पैनलिंग किया है वॉल पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में किया है, उससे वो स्पेस को थोड़ा वाइडर एक्सपांशन मिल रहा है और वो ऑलरेडी हाइटेड है तो एक परफेक्ट स्पेस भी क्रिएट हो रहा है। वैसे ही जो वर्टिकल लाइंस होती है वो बेसिकली जो भी पर्टिकुलर एरिया होगा उसको अगर ज़्यादा हाइट नहीं होगी तो वो वर्टिकल लाइंस यूज़ करके आप एरिया को वर्टिकल एक्सपांशन दे सकते हो, उससे उस स्पेस को एक हाइट मिलेगी, एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। जैसे ये जो डाइनिंग एरिया का एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें जो बैक पैनलिंग की है उन्होंने, वहाँ पे फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग कम्प्लीटली वर्टिकल लाइंस में वुडन पैनलिंग की है, उससे वहाँ पे एक्स्ट्रा इल्यूजन क्रिएट हुआ हो रहा है और उस वर्टिकल लाइंस की वजह से वहाँ पे डाइनिंग एरिया की हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है। नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है अगर उन दोनों को कंबाइन किया तो एक परफेक्ट जो एरिया को लुक होता है वो परफेक्ट मिल सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, इस एग्जांपल में जो पैनलिंग है वो फ्लोरिंग से लेके सीलिंग तक और सीलिंग से भी फिर दूसरे वॉल पे टूवर्ड्स फ्लोरिंग वो सी शेप में पैनलिंग की गई है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल पे जो पैनलिंग है वो वर्टिकल लाइंस में है और जो सीलिंग पे पैनलिंग है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में, और जो सीलिंग का पैनलिंग है वो फ्लोर के साथ मैच किया है। जैसे आप देख सकते हो नीचे फ्लोरिंग भी वुडन फ्लोरिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही है। सो इससे दोनों साइड में भी इक्वल विजुअलाइजेशन मिल रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर स्पेस क्रिएट हो रहा है। बट इन दोनों लाइन टाइप को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा डल और कन्फाइंड दिखने लगेगा। सो वैसे ही थर्ड लाइन टाइप है वो है डायनामिक लाइन टाइप। सो इसमें बेसिकली जो भी लाइंस होगी वो एक तो कर्वी रहेंगी, उसमें शेप्स रहेंगे जैसे कि एंगुलर्स रहेंगी, स्मूथ लाइंस रहेंगी। तो बेसिकली ये जो लाइंस होती है उससे जो स्पेस है वो फिर चाहे छोटा हो या कोई हाइट ज़्यादा हो बट उसको एक विजुअल इफेक्ट अलग से क्रिएट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जो बेसिक वॉशरूम की टाइल्स लगी है वो टाइल्स में ही एक वेवी लाइंस का हम लोग टेक्सचर देख सकते हैं। सो इससे पूरा जो एरिया है वो एक स्टैटिक एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसको उसका लिमिट नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक एक्सपांशन व्यू क्रिएट कर रहा है। सो आपने ये 3 लाइन टाइप्स देखी। सो लाइन की हिस्ट्री ऐसी चलती आ रही है, जो भी लाइंस थे वो एक बहुत ज़्यादा कार्विंग, बहुत सारे डिटेल से लाइंस की शुरुआत हुई थी, बट आज तक वो मॉडर्न टाइम में आते आते बहुत ज़्यादा स्ट्रेट, मिनिमल, लेस ऑर्नामेंटेड, कर्वी दिखाई देते हैं। शेप मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस। जैसे कोई भी स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कोई भी शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए उसी लाइंस को होना इम्पॉर्टेंट है। लाइन से आपको एक विजुअल मिलेगा एक पर्टिकुलर शेप देखने के लिए। सो बेसिकली ये शेप 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ और विड्थ काउंट होती है। शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी सराउंडेड एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। सो फोरग्राउंड होता है जो भी पर्टिकुलर शेप अगर बनता है तो उसके, अगर शेप बैकग्राउंड में बन रहा है तो उसके आगे वाला एरिया रहेगा वो फोरग्राउंड रहेगा, और वैसे ही अपोजिट बैकग्राउंड के लिए। अब ये शेप को अगर इंटीरियर्स में यूज़ करना है तो वो
जो भी वॉल पेंट्स रहेंगे, वॉल पेपर्स रहेंगे, उस पर आप यूज़ करते कर सकते हो। और जैसे भी कोई भी कुशन का, कुशन के ऊपर प्रिंटिंग्स रहते हैं, कोई फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग्स रहते हैं, तो उसमें भी आपको शेप दिखाई देता है। सो शेप एंगुलर भी हो सकते हैं और जो फ्री फॉर्म होते हैं वैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट हो रहा है जिसमें एंगुलर लाइंस आप देख सकते हो, और वैसे ही उसके ऊपर जो मिरर प्लेस किया गया है वो एक प्रॉपर सर्कल मिरर है। सो यहाँ पे दो शेप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हो जो पूरा बैकग्राउंड है रूम का, मतलब जो वॉल्स है, सो वहाँ पे फ्लावर्स के, मतलब ऑर्गेनिक फ्री लाइंस के शेप दिखाई दे रहे हैं जो कि एक वॉलपेपर है। और ये थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बड़ा सा कैनवास लगा है वॉल पे, वो बेसिकली बहुत सारे सर्कल्स का एक फॉर्मेशन है। वहाँ पे जो सर्कल्स भी है वो डॉटेड्स में, मतलब डॉटेड्स को यूज़ करके सर्कल का शेप दिया है। सो बेसिकली वही कि वो डॉटेड भी होंगे फिर भी वो सर्कल का शेप वहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आपने शेप देखा वैसे ही फॉर्म एक शेप का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जो फॉर्म होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, उसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये तीनों भी चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली इंटीरियर में जितने भी ऑब्जेक्ट ये थ्री डायमेंशंस में दिखते हैं उसको फॉर्म कहा जा सकता है, और उसके शेप को हम लोग फॉर्म कह सकते हैं। सो फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आर्च में विंडो दिखाई दे रही है, सो ये विंडो एक थ्री डायमेंशनल व्यू दे रही है और ये एक आर्च फॉर्म में है, तो इसको हम लोग फॉर्म कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ये विंडो है वो एक राउंड शेप में है, सो बेसिकली ऑब्वियसली थ्री डायमेंशन है तो इसलिए इसको राउंड फॉर्म कहा जा सकता है। सो जैसे शेप भी एंगुलर और कर्वी होते हैं, वैसे ही फॉर्म में भी जो फॉर्म्स होते हैं वो एंगुलर कर्वी हो सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर में आप देख सकते हो, जैसे कि एक चेस्टरफील्ड सोफ़ा आप देख सकते हो, इसमें इसका फॉर्म है वो कर्वी है। जैसे ये एग्जांपल भी सोफ़ा का एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो ये मॉडर्न सोफ़ा है और ये सोफ़ा में जो फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइंस का दिखाई दे रहा है। सो आपने देखा जैसे शेप है वैसे ही फॉर्म है, जस्ट फॉर्म ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, और कोई भी इंटीरियर स्पेस को, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन के एलिमेंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो टोटल डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो 8 डिज़ाइन एलिमेंट्स है। आज के टॉपिक में हम लोग ने उस 8 में से जो 4 डिज़ाइन एलिमेंट्स है उनको कवर किया है। नेक्स्ट जो 4 रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उनको कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के 4 एक्सटेंशन पॉइंट्स को समझने के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।